उपचुनाव में जीत से गदगद अखिलेश यादव ने फिर बोला योगी सरकार पर हमला, कहा सत्ता में बैठने वालों का टूटा घमंड, फूलपुर में मुरझाया कमल, अब बदल जाएगी भाषा। 2019 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीएसपी कांग्रेस के साथ मिलकर आम चुनाव लड़ने के दिए संकेत, कहा कांग्रेस के साथ बने रहेंगे हमारे संबंध। चंडीगढ़ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली, कहा दलितों के त्याग पर सरकार गंभीर नहीं, सदन में बोलने नहीं देती बीजेपी, इसलिए छोड़ी राज्यसभा। उत्तर प्रदेश और बिहार उपचुनाव में बीजेपी की हार पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा जीत पर विपक्ष को खुशफहमी होनी चाहिए, गलतफहमी नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने उपचुनाव में बीजेपी की हार पर दी चेतावनी, कहा नतीजे बता रहे हैं 2019 की राह आसान नहीं। उपचुनाव में हार के बाद एक्शन में सीएम योगी, सभी कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ में अधिकारियों के साथ की मीटिंग। संसद सत्र के 9वें दिन भी हंगामा जारी, कावेरी मुद्दे को लेकर एआईएडीएमके सांसदों ने किया प्रदर्शन, राज्यसभा में भी विपक्ष ने नहीं चलने दिया कामकाज। दिल्ली में 12वीं अकाउंट का पेपर नहीं हुआ लीक, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तमिलनाडु में शशिकला के भतीजे दिनाकरण ने एएमएमए नाम से बनाई नई पार्टी, कहा जयललिता का असली उत्तराधिकारी मैं, आने वाले सभी चुनाव जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा आरजेडी की जीत से अररिया बनेगा आतंकवादियों का गढ़, आरजेडी उपाध्यक्ष राबड़ी देवी का पलटवार, कहा सब आतंकवादी बीजेपी में है शामिल। नीरव मोदी के बाद पीएनबी की मुंबई ब्रांच में एक और घोटाला, पीएनबी ब्रांच में करीब 9.9 करोड़ रुपए को लेकर एक और फ्रॉड का खुलासा। 4 दिन से जेएनयू की लापता छात्रा आई सामने, बोली मैं अपनी मर्जी से गई थी, परिवार ने जताई थी किडनैपिंग की आशंका। हरियाणा में नाबालिग से रेप के दोषी को मिलेगी मौत की सजा, विधानसभा में विधेयक हुआ पास। राजस्थान के पोखरण में खुफिया विभाग ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, जासूसी के आरोप में शाहिद गिलानी नाम का शख्स गिरफ्तार, खुफिया एजेंसियों ने शुरू की पूछताछ। ओला उबर के ड्राइवरों ने 19 मार्च को हड़ताल का किया ऐलान, कंपनियों के खराब प्रबंधन से नाराज हैं ड्राइवर, दिल्ली मुंबई बेंगलुरु और गुरुग्राम में लोगों को हो सकती है परेशानी। पाकिस्तान ने भारत में तैनात अपने उच्चायुक्त को बुलाया वापस, पाक ने राजनयिकों के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने 23 रूसी राजनयिकों को किया निष्कासित, ब्रिटेन की कार्रवाई पर भड़का रूस, दी चेतावनी, कहा जल्द मिलेगा जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने बदले अपने सुर, कहा नजर आ रहा है पाक के बर्ताव में बदलाव। सलमान खान ने रिलीज किया रेस 3 का फर्स्ट लुक, बताया 3 महीने बाद फिल्म होगी रिलीज, फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर, बॉबी देओल, डेजी शाह के अलावा साकिब सलीम आएंगे नजर। और पत्नी के आरोपों के बाद मोहम्मद शमी का बड़ा बयान, कहा अब गृहस्थी बचाने की कोशिश खत्म, हर जांच के लिए हूँ तैयार।